हेडिंग लिखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ITF। तो अपने ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत पहले पढ़ लिया था, ठीक है आज अपन इनवर्स पढ़ेंगे। अच्छा फंक्शन का, फंक्शन में भी इनवर्स था, वहीं से कंटिन्यूएशन होता है इसका। सो यदि इन फंक्शन का इनवर्स तुम्हें अच्छे से आ गया है तो फिर ये थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। अपने क्या सीखा था फंक्शन में इनवर्स वाले कि किसी भी फंक्शन का यदि इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव, मतलब उसको 1-1 होना पड़ेगा और 1-2 होना पड़ेगा इन द गिवन डोमेन, ठीक है। सो कुछ कुछ एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके करस्पॉन्डिंग 6 ही इनवर्स फंक्शन हो जाएंगे। जैसे साइन एक्स है तो उसका साइन इनवर्स एक्स है, कॉस एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स है, इस तरह से, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि अपन पहले कुछ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका डोमेन रेंज और एक प्रिंसिपल या प्रिंसिपल वैल्यू एंगल जो है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, साइन एक्स इसकी डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, साइन एक्स की डोमेन क्या है, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, मतलब ऑल रियल ना। और रेंज बताओ, रेंज है, वाह वेरी गुड, -1 से 1 ना पूरा फंक्शन निपट गया, -1 से 1 रेंज। अच्छा अल्फा एक याद करो, अल्फा जो प्रिंसिपल वैल्यू एंगल बोलते थे, साइन एक्स का डोमेन इज ऑल रियल ना, प्रिंसिपल वैल्यू एंगल अल्फा, इसको लिखो प्रिंसिपल वैल्यू एंगल, प्रिंसिपल वैल्यू एंगल अल्फा जिसको बोल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू एंगल इसके लिए आता था -π/2 से π/2, लिख दो इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीखा था तो वहां पे प्रिंसिपल वैल्यू एंगल मिलता था, यहाँ पे ये है, फर्स्ट सीरियल नंबर लिख देता हूँ, सेकेंड लिखो साइन एक्स हो गया, ये कॉस एक्स, कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल, रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 और प्रिंसिपल वैल्यू एंगल आएगा 0 से π, 0 से π। थर्ड टेन एक्स लिख दो, टेन एक्स का जो डोमेन होता है कहां पे नॉट डिफाइन होगा बताओ, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, है ना। सो ये इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 2n+1 π/2, है ना। रेंज ऑल रियल हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू एंगल कहां से कहां तक होता है टेन एक्स के लिए, -π/2 से π/2, ये ओपन इंटरवल है। फोर्थ लिखो कॉटेक्स, कॉटेक्स, कॉटेक्स की डोमेन, कॉटेक्स की डोमेन कहां पे प्रॉब्लम है कॉटेक्स को, जहां पे साइन एक्स जीरो हो रहा है, साइन एक्स जीरो है मतलब n π हटा देना है, n π हटा दीजिए, है ना, n π हटा देते हैं। रेंज कहां से कहां तक, ये भी ऑल रियल हो जाएगा, रेंज इज ऑल रियल, प्रिंसिपल वैल्यू एंगल इसके केस में 0 to π होता है, 0 to π, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल वैल्यू एंगल 0 to π। फिफ्थ लिख देते हैं sec x, sec x फंक्शन जो है
sec x कहाँ पे दिक्कत करेगा, जहां पे cos x जीरो है, मतलब sec x और tan x की जो डोमेन है, ये दोनों की डोमेन कैसी होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर जो डोमेन आएगी r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और रेंज sec x की रेंज कहां से कहां तक है याद है, अच्छा भूल गए, माइनस पाई माइनस इनफिनिट से माइनस 1 यूनियन 1 से इनफिनिट, ये sec x की रेंज। अच्छा यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू एंगल sec x किसके बिहाफ पे देखा जाए, cos x के, cos x का जो है 0 से पाई है, cos में 0 पे वैल्यू कितनी आती है, 0 पे वैल्यू 1, पाई पे वैल्यू माइनस 1, और पाई बाई 2 पे 0 आती है। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू एंगल होगा वो आ जाएगा 0 टू पाई, और इसमें से हटाना पड़ेगा पाई बाई 2। देखो ध्यान से, ये ठीक है। एक और है सिक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का डोमेन, इन दोनों का डोमेन सेम होगा, क्योंकि यहाँ कॉसेक एक्स वन अपॉन साइन एक्स है, साइन एक्स जीरो हो रहा है, तो ये आर माइनस एन पाई आएगा। और यहाँ पे रेंज कहाँ से कहाँ तक है जी, कॉसेक और सेक एक्स की रेंज सेम आती है, माइनस इनफिनाइट से माइनस 1 यूनियन 1 टू इनफिनाइट। और प्रिंसिपल वैल्यू एंगल, हाँ ये किसके सेम रहेगा, साइन के, साइन के जैसा है ना, तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। लेकिन एक जगह पर दिक्कत होती है, कहाँ पे, जहाँ पे साइन एक्स जीरो है, तो जीरो पे नहीं, इस रेंज में जीरो पे प्रॉब्लम है ना साइन एक्स को, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से जीरो हमें हटाना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव जीरो है, ठीक है। क्या ये बात समझ आई, ये लिस्ट बना लीजिए जल्दी से फटाफट। हो गया, तो देखो जितने भी इनवर्स फंक्शन मिलेंगे ना, जितने भी इनवर्स फंक्शन बनाएंगे वो इन डोमेन के लिए बनाएंगे, उनके लिए ये क्या हो जाएगी, मतलब जो भी होगा इन प्रिंसिपल वैल्यू एंगल के लिए होगा इनवर्स। और जो इन प्रिंसिपल वैल्यू एंगल के लिए यदि आप इनवर्स निकाल रहे हैं, तो फिर हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन। जैसे साइन एक्स के लिए इस डोमेन के का इनवर्स निकालेंगे, कॉस एक्स में इस डोमेन के लिए, टेन एक्स में इस डोमेन के लिए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। सो इसको हटाते हैं बच्चा, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। देखो किसी भी फंक्शन का यदि इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो फंक्शन को क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। तो एक नोट लिख दीजिए, क्या है नोट, टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ, देन एफ मस्ट बी बाइजेक्टिव। मतलब बाइजेक्टिव का मतलब 1-1 एंड ऑन टू दोनों ही होना चाहिए, यदि दोनों, ये दोनों है तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। अच्छा एक प्रॉपर्टी और देखी थी अपन ने, क्या प्रॉपर्टी देखी थी, कि इफ एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव है ना, सच दैट f of a to b y equal to fx and g कुछ इस तरह से लग देते हैं, या इसका इनवर्स कर देते हैं, बेसिकली g जो है इनवर्स है, एंड
एफ इनवर्स बी टू ए y इक्वल टू एफ इनवर्स x आर टू फंक्शंस आर टू फंक्शंस फंक्शंस तो यहां पे एक बात ध्यान से देख सकते हो देन क्या ध्यान से देख सकते हो पहला इसका फर्स्ट पार्ट कि f इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये फिर से f आ जाएगा क्या आ जाएगा यदि इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो बस वापस क्या हो जाएगा एफ इनवर्स आ जाएगा और क्या देखा था कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता था फंक्शन की प्रॉपर्टी में देखो ये एक्स के इक्वल होता था ना या आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल होता था आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या होगी इस समय बी ना तो इसको क्या बोलेंगे आई बी एक्स एफ इनवर्स की डोमेन है बी मतलब एफ इनवर्स की डोमेन है बी तो ये दिस इज इक्वल टू आई बी एक्स मतलब दिस इज इक्वल टू एक्स होगा लेकिन एक्स किन एक्स के लिए बी सेट बी के लिए एंड सी पार्ट आप देखो कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा लेकिन किन के लिए आइडेंटिटी फंक्शन होगा जो एफ की डोमेन है f की डोमेन क्या है बताओ f की डोमेन है a सो दिस इज लिखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a दैट इज x बस समझ आए तीसरा पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से है कि a कॉमा b ये p पॉइंट है एंड q b कॉमा a आर मिरर इमेज ऑफ लिख दो इसको मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अदर विद रेस्पेक्ट टू द मिरर मिरर y इक्वल टू x मतलब y इक्वल टू x यदि मिरर है एक लाइन है मान लिया ये मिरर है इसका नाम है y इक्वल टू x और यहाँ पे एक पॉइंट p है जो कि a कॉमा b है तो इसकी मिरर इमेज जो होगी वो i हो जाएगी या q हो जाएगी और q लिख दिया इधर i लिख दिया तो इधर i लिख देते हैं लेट से तो ये b कॉमा a ऐसे लिख दिया तो दोनों ही एक दूसरे की क्या हो जाएंगे मिरर इमेज के लिए देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा क्या इतनी बात समझ आए लास्ट क्लास में अपन ने ये भी देखा था कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स लेट्स से ये दिस इज एक्स वाई दिस इज वाई इक्वल टू y इक्वल टू एफ एक्स बना दे y इक्वल टू एक्स सॉरी y इक्वल टू एक्स बना देते हैं दिस इज ओरिजिन सो यदि कोई फंक्शन इस तरह से है लेट्स से इफ वी हैव बाइजेक्टिव लाइक दिस ऐसा कुछ है y इक्वल टू एफ एक्स तो f इनवर्स x क्या होता था बताओ f इनवर्स x वाज मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू द लाइन वाई इक्वल टू एक्स ये सीखा था फंक्शन में सो यदि एफ एक्स ये है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा इसकी मिरर इमेज बना देनी है इसकी मिरर इमेज आप बना दीजिए कुछ इस तरह से तो जो भी मिरर इमेज बनी इसको बोलेंगे वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सो यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हो फोर्थ कि एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू
मिरर वाई इक्वल टू एक्स। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। यदि ये एफ एक्स है तो इसकी मिरर इमेज ये है, तो ये क्या हो जाएगा एफ इनवर्स, और इसका इनवर्स निकालोगे तो फिर से ये एफ आ जाएगा। तो जो पहली प्रॉपर्टी लिखी थी ना, एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज बेसिकली एफ एक्स हो जाएगा। पहला लिखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, पहला फंक्शन जो अपन सीखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख दो, y इक्वल टू साइन इनवर्स x पढ़ेंगे। तो देखो यहां पे y इक्वल टू साइन x है ना, इससे अपन को y इक्वल टू साइन इनवर्स x तक पहुंचना है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होंगे, तो पहले अपन क्या करें, साइन एक्स का ग्राफ बना ले, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज एक्स वाई, और साइन एक्स का ग्राफ समवॉट लाइक से इस तरह से, ठीक है। दिस इज जीरो पाई, टू पाई, ड्रॉ करो जल्दी से फटाफट, कीप ड्रॉइंग, माइनस पाई, माइनस टू पाई, और यहां पे ये वन हो गया, दिस इज वन, और ये डेप्थ में इधर माइनस वन हो गया, एंड दिस एंगल इज पाई बाई टू, हियर वी आर हैविंग माइनस पाई बाई टू, सो ऑन। This is 3 pi. समझ आए? अभी एक काम करते हैं, एक लाइन बना देते हैं y इक्वल टू x, y इक्वल टू x लाइन है, लेट से वो लाइन जो है ना बिल्कुल ऐसे निकलती है, y इक्वल टू x मतलब यहां पे टेंजेंट होती है ये y इक्वल टू x, इन द केस ऑफ साइन x। सो यू नीड टू, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ ओरिजिन पे कट करेगी, ऐसे दिखने में तो ये यहाँ टच दिख रही है कि बहुत सारे पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, ऐसा नहीं, सिर्फ ओरिजिन पे यहाँ पे टेंजेंट बनेगी y इक्वल टू x लाइन, और इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सोच के बताओ। मिरर इमेज यदि बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो इस पार्ट का मिरर इमेज कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा है ना, अब विज्ञान बच्चा समझा, देखो इसका यहां से यहां पाई है तो इसका मिरर इमेज कैसे जाएगा, ऐसे ना, सो यहाँ पे समवॉट हेयर पाई बाई टू वन से बड़ा होता है, पाई बाई टू ये हो गया, पाई यहाँ पे बना देते हैं, अच्छा ये पाई, सो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। अच्छा इस वाले पोर्शन की मिरर इमेज, दिस इज माइनस पाई बाई टू, और ये माइनस पाई बना देते हैं, तो इसकी मिरर इमेज जो है वो ऐसे होगी, मतलब यहाँ पे ये देखो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे माइनस वन, और ये माइनस वन, मतलब ये कुछ इस तरह से ऐसे, समझ आए, कुछ ऐसा मिरर इमेज। और आगे बढ़ेंगे, इस पार्ट का मिरर इमेज इधर जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, और इस वाले पोर्शन का जो मिरर इमेज है यहां से आ गया, यहां से फिर ऐसे चले, बात समझ आई। साइन एक्स की मिरर इमेज ये हो गई, इसका नाम हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन वाई। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन वाई। दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स, ये है x इक्वल टू साइन वाई, ड्रॉ करो, कीप ड्रॉइंग,
हाँ रेस नहीं करना है, समझना है इसको, क्या समझे? देखो यहां पे देखो, यदि फंक्शन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो इसको क्या होना पड़ेगा, वन वन बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। तो क्या ये वन वन है? यदि हम एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें तो कितनी जगह कट करेगा? इनफाइनाइट जगह। यदि हमें वन वन बनाना है तो पूरा पार्ट नहीं ले सकते इसका। अच्छा, वन वन ऑन टू किन रेंज के लिए होगा, किन एक्स के लिए ऐसा हो सकता है? वन वन ऑन टू, यदि हमें फंक्शन को वन वन ऑन टू बनाना है तो इसकी ऑल डोमेन ऑल रियल तो नहीं ले सकते, मतलब कहां से कहां तक ले सकते हैं? यदि हम देखो ध्यान से, यदि फंक्शन ऐसे ले कहां से कहां तक, देखो ध्यान से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू एंगल्स जो है, जो प्रिंसिपल वैल्यू एंगल है उसमें देखें, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो बताओ क्या यहां से यहां तक क्या ये वन वन फंक्शन मिलेगा? तो ये कीप इंक्रीजिंग हो रहा है ना, मतलब ये यहां से यहां तक देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वन वन मिल जाएगा ना सिर्फ इस डोमेन के, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए। यदि ऑन टू भी होना है तो रेंज इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल, तो कोड रेंज माइनस वन से वन, तो कोडोमेन क्या बना दें इसकी, माइनस वन से वन, और ऐसे लिखें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो बताओ क्या ये बाइजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? तो इनवर्स क्या होगा, इसका ही इनवर्स निकाल लेते हैं। एफ इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी बताओ, माइनस वन से वन से क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और लिखेंगे क्या एफ मतलब कुछ जी एक्स जो है वो एफ इनवर्स हो जाएगा, या इसको जी लिख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जी एक्स लिख देते हैं, वो क्या है साइन इनवर्स एक्स, और यही यही क्या है एफ इनवर्स एक्स है बेसिकली, रेसिप्रोकल। क्या इतनी बात समझ आई? रिवर्स फंक्शन है बेसिकली। सो तुम देखो कि यदि हमें सिर्फ इनवर्स देखना है तो कितना पोर्शन देखना पड़ेगा, सिर्फ इतना वाला यहां से लेके फंक्शन का, ऐसे बात समझा? और इसका जो मिरर इमेज आएगा वो कितना आएगा, मिरर इमेज आएगा वो समवट लाइक दिस, इतना आ जाएगा ये वाला, ये मिरर इमेज आ जाएगा बेसिकली। बात समझ आई? सो याद रखो जब भी ऐसा गिवेन हो, मतलब पहला पॉइंट लिखो कि यदि y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स गिवेन है तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एक्स इक्वल टू एफ वाई लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं, जब अपनी प्रिंसिपल डोमेन में गिवेन है। और इन द सेम वे यदि y इक्वल टू एफ एक्स है तो आप लिखो कि एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये भी अपनी डोमेन में लिखा जाना चाहिए। जैसे यहां पे यदि हम कहें y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स, तो हम यहां से जा सकते हैं, लिख सकते हैं कि x इक्वल टू साइन इनवर्स y, या x इक्वल टू साइन इनवर्स y, ऐसे लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। जब x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में होगा तभी हम y इक्वल टू साइन एक्स को x इक्वल टू साइन इनवर्स y लिख सकते हैं, समझ आए? और यदि ऐसा गिवन है, कैसा गिवन है, यदि ये गिवन है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है, तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन हमें पहले ही पता है, क्या पता है, माइनस वन से वन, ये हमें पहले ही पता है। यहां पे डोमेन क्या थी, देखो यहां पे डोमेन थी ऑल रियल,
ऑल रियल था, तो ऑल रियल के लिए ऐसे लिखना गलत है। यहाँ पे ऑल रियल डोमेन था, ऑल रियल के लिए ऐसा लिखना गलत है। तो हम जब भी यहां से ये आएंगे, हम बोलेंगे कि x भाई यहां से यहां तक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है। लेकिन यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x ऐसे दिया है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि x माइनस वन से वन के बीच में ही होगा, डोमेन है x माइनस वन से वन के बीच में ही होगा स्टैंडर्ड फंक्शन। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू साइन y लिख सकते हैं ऐसे। सो x इक्वल टू साइन y का तो ग्राफ पूरा है, ये देखो ये आ जाएगा। कोई कहे कि x इक्वल टू साइन y का ग्राफ, ये तो पूरा है, बट अपन इनवर्स से चल रहे हैं, तो अपन को कितना देखना है, कितने कंसिडर करना है, सिर्फ यहां से लेके यहां। बात समझ आई? तो मैं एक इनवर्स फंक्शन जो है साइन इनवर्स का अलग से ही ग्राफ बना देता हूं, देख लो ध्यान से, सिर्फ इतना पोर्शन रहेगा। ऑलरेडी फंक्शन में अपन ने बनाया था इनवर्स का ग्राफ, है ना? तो क्या ग्राफ बनेगा बताओ, ग्राफ कैसा बनेगा? एक ये बना देते हैं ऐसे, दिस इज एक्स वाई और यहां पे लिखते हैं वन, दिस इज माइनस वन, यहां पे पाई बाई टू और ये माइनस पाई बाई टू, ठीक है? और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, देखो ये वाला ना ऐसे जाए, सिर्फ इतना। सो बस इतना ही है, ड्रॉ करो, दिस इज सिर्फ यही ग्राफ है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो आप देख सकते हो डोमेन ऑफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक हो गई, माइनस वन से वन, और रेंज रेंज हो गई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अच्छा, अपन ने एक प्रॉपर्टी बीच में देखी थी, क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि एफ ऑफ लेट्स से एफ ए टू बी है और एफ इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, बी टू ए ना। सो हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इसकी डोमेन, एफ इनवर्स की डोमेन ना, एफ इनवर्स की डोमेन क्या है, बी। और दूसरा देखा था एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसकी डोमेन, एफ एक्स की डोमेन, एफ एक्स की डोमेन ए, ऐसा हो। तो यहां पे सेम वे अपन क्या लिख सकते हैं, ए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां से, किसकी डोमेन, साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन कहां से कहां तक होती है, माइनस वन से वन, से लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। और दिस सेकेंड पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स, एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां पे, जो साइन एक्स की डोमेन है, साइन एक्स की डोमेन कहां से कहां तक है, जिसके लिए फंक्शन इनवर्टिबल है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू एंगल, प्रिंसिपल वैल्यू एंगल साइन एक्स के लिए कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, बस ऐसा हो। लिखो, नोट करो, पढ़ाओ। राइट डाउन, कुछ क्वेश्चन लिख दो, सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फर्स्ट लिख दो साइन इनवर्स वन, सेकेंड साइन इनवर्स माइनस वन, थर्ड साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू, फोर्थ
साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू फिफ्थ टेन ऑफ साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू एंड सिक्स साइन इनवर्स पाई बाई थ्री। आंसर करो, आंसर दें वन बाई वन। देखो ध्यान से, हो गया हाँ, करो करो जल्दी से, चलो करते रहो। एक्स वाई यहाँ पे वन बना देते हैं एंड दिस इज माइनस वन, वन माइनस वन बना दिया। यहाँ पे दिस इज पाई बाई टू एंड हियर वी आर हैविंग माइनस पाई बाई टू। कहाँ पे? हाँ देख लेते हैं, यहाँ ग्राफ से समझ में आ जाएगा, थोड़ा ग्राफ भी बना देंगे अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे बना देते हैं, हेलो इट्स नॉट लाइक दैट बट ये ऐसे 45 पे निकलता है ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। देखो ये रिवर्स है, अच्छा बता, पहला तो साइन इनवर्स वन, तो वन पे जो साइन इनवर्स की वैल्यू है कितनी हो गई? पाई बाई टू ना, सो दिस इज पाई बाई टू हो गया। हाँ और माइनस वन पे जो वैल्यू है, माइनस वन पे वैल्यू है माइनस पाई बाई टू, सो दिस इज माइनस पाई बाई टू। अच्छा वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू पाई बाई फोर पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? रिवर्स होता है, देखो इसमें रिवर्स होता है फिर सुनो। हाँ तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाई फोर ना, और ये वन अपॉन रूट टू बना देते हैं, ये तो वन बाई टू लग रहा है, चलो कोई बात नहीं है ना, वन अपॉन रूट टू बना देते हैं, ये वन अपॉन रूट टू, तो वन अपॉन रूट टू पे साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? पाई बाई फोर। अच्छा रूट थ्री बाई टू, साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू पाई बाई थ्री ना, मतलब 60 डिग्री, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई थ्री। यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो ये देखो क्या होगा, टेन ऑफ साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू इज पाई बाई थ्री ना, और टेन पाई बाई थ्री इज रूट थ्री, ये रूट थ्री हो गया। अच्छा साइन इनवर्स पाई बाई थ्री सोच के बताओ, पाई बाई सिक्स से कम रहेगा, पाई बाई टेन ट्वेल्व, अच्छा तो पाई की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेट? 3.14, तो पाई बाई थ्री कैसा होगा? क्या ये ग्रेटर देन वन होगा? हाँ तो पाई बाई थ्री विल बी समवेयर हियर, रेंज में नहीं है, वो डोमेन में ही नहीं है, पाई बाई थ्री इज नॉट इन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, तो क्या पाई बाई थ्री पे कोई वैल्यू आएगी? लिखेंगे नॉट डिफाइन, इस पॉइंट पे साइन इनवर्स नॉट डिफाइन, ये नहीं 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 गलत है, पाई बाई थ्री बात समझ है, ये वाला यदि डोमेन में ही नहीं है तो उसके लिए इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है ना। मतलब जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, जो भी हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। इसको हटा दें बच्चा, है ना, कुछ क्वेश्चन लिखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखो, इवेल्युएट इट द फॉलोइंग, फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट है साइन ऑफ पाई बाई थ्री प्लस साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, है ना, एंड सेकंड लिख दो, सेकंड लिख दो
कुछ ऐसे करवा देते तुम्हारे पी वाई क्यू में मिल जाएंगे। दूसरा लिखो साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू। और कुछ इसमें अभी ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं तो ज्यादा कुछ उसमें दे नहीं सकते। हाँ करो। हाँ पहला हो गया। हाँ कितना आया इसका पहले का होता रूट थ्री बाई टू। देखो क्या करेंगे पहले में यहां से देखो हाँ रूट थ्री बाई टू ही आएगा सही आंसर है। सॉल्व कैसे करेंगे देखो साइन ऑफ पाई बाई थ्री प्लस ये भी कितना हो जाएगा पाई बाई थ्री ना और ये साइन टू पाई बाई थ्री ना। अच्छा साइन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है। यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो आप पाई माइनस पाई बाई थ्री कर सकते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना और साइन पाई बाई थ्री इज अगेन रूट थ्री बाई टू। अच्छा इसमें देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। सो दिस इज कॉस दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू ये थीटा की जगह जैसा कर लेते हैं। अच्छा ये कितना होगा साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू पाई बाई फोर ना पाई बाई फोर और कॉस पाई बाई फोर अगेन वन अपॉन रूट टू होता है। तो बात समझ आए कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को। पहले का आंसर है रूट थ्री बाई टू मिला नहीं मिला आंसर तब तक मैं इसको रब किए देता हूं। नेक्स्ट पुर्चा प्रश्न समझते क्या होता है अगला मराठी अरे महाराष्ट्र में रह रहे आनी चाहिए ना तुम्हें। आई डोंट क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो सॉल्व करो इसको। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 4095 डिग्री। बच्चा मैं बता रहा हूँ मराठी सीख लो। हाँ ए ऑप्शन है देखो तीन लैंग्वेज आनी चाहिए एक कश्मीरी आनी चाहिए हाँ और दूसरी आनी चाहिए मराठी और तीसरी आनी चाहिए कन्नड़ा तेलुगु या कन्नड़ा मतलब अच्छा रहेगा। लाइफ टाइम में कितना घूमोगे तुम भारत में बताओ ज्यादातर तो तुम पुणे में ही रहोगे पुणे मुंबई दिल्ली रहोगे
11 बजे सब कुछ बंद कर। पंजाबी कहाँ से आती तुम्हें? अच्छा पंजाब। चलो सॉल्व करो इसको। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, मैं तुम्हें बताऊं, देश के कुछ शहर जो बहुत अच्छे हैं, नॉर्थ में चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, यहाँ पुणे आ जाओ, पुणे या फिर नासिक चले जाओ, सही सच बता रहे, और साउथ है ना, आंसर माइनस फाइव है। क्या मिला आंसर? मिला हाँ, गुड है, देख लिया। हाँ आंसर तो ठीक है। तो ये एंगल जो है ना, इसको तुम्हें 360 के टर्म्स में ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ, तो 4095, तो ये तो सिंपल सी बात है, 360 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 3600। इससे तो अभी ये बहुत आगे है, 360 और ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 0693। अभी भी ये बहुत आगे है, है ना, तो कितना आगे, 4095 माइनस 3960, सेपरेट करें तो कितना 5 आ जाएगा, और 9 में से 6 गया, कितना, कुछ गड़बड़ कर लिया क्या हमने? हाँ 3 आ रहा है और ये 135 आ रहा है। हाँ इतना ज़्यादा है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 360 प्लस 135, ऐसा। बस समझ आए, तो ये क्या हो गया, देखो 11 इंटू 2, ये कुछ ऐसा हो गया, 11 इंटू 2 पाई प्लस 135 को लिख सकते हैं पाई माइनस कितना, कितना 45 ना पाई बाई 6, पाई बाई 4 बेसिकली। सो ये हो गया है 2221, 23 पाई माइनस पाई बाई 4 हो गया बच्चा। हाँ है ना, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई, ये देखो 23 पाई माइनस पाई बाई 4 है, तो ये पाई माइनस पाई बाई 4 के जैसा हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, सो दिस इज साइन इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 4, है ना। अरे ये एलिड एंगल में सीखा था ना अपने, एलिड एंगल में याद करो, चेंज अबाउट एक्स एक्सिस है, तो कॉस का कॉस ही रहता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 4 इज 1/√2, ये मिला साइन इनवर्स माइनस 1/√2, और ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इज द आंसर। बच्चा क्या इतनी बात समझ आई? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ कीप गोइंग, स्पीड अप, तुमने नहीं लिखा। तुम थोड़ा आगे बैठा करो यदि, क्या बात कर रहे हो, एक्स टीचर ने कहा था कि ट्यूबल टेक्नोलॉजी में नहीं चला जाता। अच्छा चल, एक क्वेश्चन आ रहा है,
बिना पेन चलाए देखना करना तो हाँ इसकी इंक बड़ी टाइट हो गई, समझ नहीं आ रहा है हाँ, इतना मेहनत करना पड़ रहा है इसको मिटाने की। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रेंज ऑफ k फॉर विच साइन इनवर्स x इज इक्वल टू kx एग्जिबिट, फर्स्ट लिखो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, नहीं नहीं पार्ट है क्वेश्चन के। सेकंड एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन, ये मेरे ही द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है आपका बनाया हुआ नहीं है। अच्छा हाँ तो बहुत पहले बनाया था ना बहुत पहले बनाया ये ITS नहीं देखा था, उसमें एक वैल्यू भी AITS में जा चुका है, फिर जीती है AITS जा चुका है क्वेश्चन। AITS मैंने बोला AITS बहुत गंदे तो मतलब पब्लिक तो हो ही गया ना ये क्वेश्चन। मतलब 2012-13 में बनाया था ये क्वेश्चन, तब से चल रहा है। K तो एक कांस्टेंट है ना, K इज एनी कांस्टेंट, हां वही वही एक बात आया वन सॉल्यूशन का तो चलेगा मेरे को, कितना है 1 से 5/2 गलत जवाब सॉरी 5/2 से 1 अरे पहले छोटा नंबर बोला जाता है, वन पहले आएगा पाई बाय टू बाद में आएगा। चलो अच्छा सॉल्व करो सॉल्व करो। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए देखो ये मतलब तुम्हें इसके लिए ग्राफ बनाना ही पड़ेगा और थोड़े कुछ कुछ पॉइंट तुम्हें एकदम अच्छे से ग्राफ के बारे में आने चाहिए। दिस इज एक्स एंड वाई एंड इसका नाम है वाई इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है समवॉट लाइक दिस। अच्छा और यहाँ पे दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज माइनस पाई बाई टू हेयर, सो साइन वर्स यहाँ पे ये वन बना देते हैं, यहाँ पे माइनस वन ठीक है, इसका नाम है y इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अच्छा वाई इक्वल टू के एक्स लाइन कैसी होगी, वाई इक्वल टू के एक्स लाइन, हाँ जो भी लाइन होगी वो ओरिजिन से पास करेगी नहीं करेगी, पास पास करेगी, ओरिजिन से पास तो करेगी ना, ओरिजिन से पास करेगी तो मतलब वो कुछ इस तरह से जाएगी ऐसे, इसको भी इंटरसेप्ट करेगी y इक्वल टू के एक्स। सर अभी कुछ मजा नहीं आ रहा है इस ग्राफ में, है ना, अरे सही से दिखना तो चाहिए, ध्यान नहीं दिया इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा, ये सही से ग्राफ नहीं बनाया ना आपको समझ नहीं आएगा। एक्स वाई मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, चलो इंटरसेक्शन दिखेगा ही नहीं ढंग से, ऐसा ठीक है, दिस इज वन, दिस इज माइनस वन, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, सो व्हाट लाइक दिस। अच्छा वाई इक्वल टू एक्स लाइन, वाई इक्वल टू के एक्स जो है वो कुछ इस तरह से बना देते हैं, दिस इज वाई इक्वल टू के एक्स, ऐसा जाएगा, बात समझ आए। तो कितने इंटरसेक्शन हो गए यहाँ पे, देखो तीन देखने को मिल रहे हैं, तीन देखने को मिल रहा है, कब तक देखने को मिलते रहेंगे ये तीन। हाँ देखो ध्यान से, के एक्स जो है ना हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, इसको आप रोटेट कर लीजिए, रोटेट करते रहिए करते रहिए, तो एक टाइम आएगा जब एग्जैक्ट ये यहां से पास करेगी यहां पे, मतलब ये वाली लाइन यहां से, एक इस लाइन का नाम बता सकते हो, वाई इक्वल टू इस लाइन का y इक्वल टू mx होगा ना, तो m कितना हो जाएगा ये, हाँ पाई बाई टू अपन वन पाई बाई टू एक्स, इसका नाम है y इक्वल टू पाई बाई टू एक्स, ठीक है। अच्छा बताओ इसको और रोटेट करेंगे तो ये तो y, हाँ ये तो स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट था ना, y इक्वल टू mx प्लस c, हाँ लेकिन उसमें c है ही नहीं ना, c जीरो है, y इक्वल टू mx है सिर्फ, तो यहाँ पे जैसे स्लोप बढ़ाओगे तो ये रोटेट होगी ये लाइन, तो यहाँ पे अभी कितने तीन है ना, यहाँ तक ही तीन रहेंगे, इसके बाद जो है वो क्या होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन ही होगा, एक सॉल्यूशन, ये अपर लाइन अपर केस में हमें तीन सॉल्यूशन देखने को मिल गए, कब तक सॉल्यूशन ये तीन मिलते रहेंगे, जब तक एक लाइन तुम्हें पता होना चाहिए एक टेंजेंट बनती है ये लाइन, वो लाइन कौन सी है, वाई इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स टेंजेंट बनती है, कब कहाँ पे बनती है, ओरिजिन पे, ये थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कंपेरिजन कर्व की, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स, तो ये क्या बनती है, ओरिजिन पे टेंजेंट बनती है बेसिकली। सो यदि हम कहें y इक्वल टू एक्स तो कितने सोल्यूशन मिले, एक सोल्यूशन मिले, अच्छा इसमें स्लोप थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तीन, अभी एक है थोड़ा ही आगे हुआ स्लोप तो तीन सॉल्यूशन मिले, कब तक मिलते रहेंगे, यहां तक तीन सॉल्यूशन, उसके बाद फिर हमेशा वन सॉल्यूशन मिलेगा। सो यदि हम कहें एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन, तो के बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, वन से लेके फाइव बाई टू तक, यहां पे क्लोज, वन पे तीन सॉल्यूशन है क्या, वन पे कितने सॉल्यूशन है, एक ही है ना, तो यहां पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, तो सेकंड का आंसर हो गया वन टू पाई बाई टू, तो एग्जैक्टली थ्री के बिलोंग्स टू ऑल रियल, इनको छोड़ के, इन के को छोड़ के बाकी सब, हाँ जीरो सॉरी वन से लेके पाई बाई टू तक, क्या ये बात समझ आए। Is that clear? भाई यही तो बोला था। सॉरी नहीं, ऑल रियल। यार वन से फाइव बाई टू बोला था मैं। ऑल रियल माइनस वन से फाइव बाई टू। वो तो भूल गया था ना, तो क्वाड्रेंट में
इतना तो बोलते हैं आधा सही, तो मैं तो जांग ही नहीं करता उससे। बात समझ आया क्या? होगा बोला है। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे।